जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। कैसे हो आप सभी? मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही सरल विधि से नवरात्रि का पूजा करना दिखाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक लाल कपड़ा बिछा दिया है। आप लोग 2 दिन, 5 दिन, 1 दिन, 7 दिन जितने भी व्रत करें या ना करें, लेकिन अपने घरों में ये जो 9 दिन होते हैं पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इन 9 दिनों में माता रानी की पूजा करने से आपके घर में कुछ ना कुछ खुशखबरी आती ही है। और मेरी ये मान्यता है कि पॉजिटिव भी एनर्जी बहुत आती है ऐसे पूजा करने से। ये जो 9 दिन होते हैं ये बहुत ही शक्तिशाली दिन होते हैं, साल में एक ही बार आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कलश में जल भर लिया, कलावा बांध लिया और यहाँ पे चावल रख लिए और नारियल में भी सिंदूर लगा दिया, स्वास्तिक बना दिया कलश पे, और कलश के ऊपर एक चावल का कटोरी भर दिया जो कि मिट्टी से ही बना हुआ है। ये मुझे 30 रुपये में मिला था, मार्केट में इजीली मिल जाता है। आप पीतल या तांबे के भी कलश बिठा सकते हैं। फिर मैंने थोड़ा सा चावल और डाल के गणपति जी को स्थापित कर दिया, क्योंकि गणपति जी के पूजा के बिना सारी पूजा अधूरी होती है। फिर यहाँ पे मैंने गणपति बप्पा को भी कलावा चढ़ा दिया वस्त्र स्वरूप। फिर उनको 5 सुपारी बतासे दे दिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे माता जी को रख दिया चावल रख के, फिर उनको भी मैंने कलावा चढ़ा दिया। आप फूल के माला भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे पास फूल के माला नहीं था, बस मैं फूल लेके आई थी, माला मैं नहीं बना पाई। फिर यहाँ पे मैं जहाँ पे जौ उगाऊंगी इसको भी मैंने हल्दी और सिंदूर से चारों तरफ 9 मैंने कुमकुम और हल्दी लगा दिए। फिर मैंने यहाँ पे ज्वार रख दिया। फिर यहाँ पे मैं डाल दूँगी जल, और इस लोटे में मैंने गंगा जल भी मिला रखा है जो कि मैं अपने गांव से लेकर आई थी। और आप लोग चाहे तो दिए को अखंड ज्योत भी रख सकते हो 9 दिन, और ना चाहे तो नहीं भी रख सकते, तो अलग से एक दिया जला लेना। मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा दिया ले लिया और यहाँ पे डाल दिया भर के एकदम सरसों का तेल, और कलश के अंदर हल्दी, 1 रुपये का सिक्का, 1 सुपारी, ये सब भी डालना ज़रूरी होता है। हल्दी कुमकुम इससे भी अच्छा होता है, और इनको आप 9 दिन के बाद अपने तिजोरी में रख सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे माता रानी को फूल चढ़ा दिया, सिंगार का सामान चढ़ा दिया, चुन्नी चढ़ा दी, यहाँ पे मैंने एक और दिया जला दिया, अगरबत्ती जला दी। अब मैं यहाँ पे करूँगी आरती, और माता रानी को 5 सुपारी लौंग इलायची का भोग भी चढ़ाया जाता है। ये माता रानी को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। माता रानी को सादा सिंपल तरीके से ही पूजा करना, सरल विधि ही अच्छी लगती है। फिर यहाँ पर मैंने उपले को एक छोटा सा उपला ले लिया, यहाँ पे मैंने रख दिए कपूर, यहाँ पर रख दिए केले, भगवान जी को चढ़ा दिए प्रसाद के रूप में, और यहाँ पर पान हम उपले में डाल देंगे और थोड़ा सा बतासे का टुकड़ा भी। ये माना जाता है कि अगर आप छोटा सा हवन जैसा करते हैं और उस हवन में थोड़ा थोड़ा भोग डालते हैं तो वो भोग सीधा सीधा माता रानी को ही जाता है। ये देखिए मैंने डाल दिया बतासे, एकदम सरल विधि से है। फिर यहाँ पर मैंने जल छिड़क दिया चारों तरफ। आप यहाँ पे ऐसे घुमा के भी डाल सकते हैं जो यहाँ पे मैंने छोटा सा हवन जैसा बनाया है। फिर यहाँ पे करेंगे आरती। फिर आप अपने हिसाब से जितने देर तक चाहे उतनी देर तक आरती कीजिए और अपने बड़े बुज़ुर्गों को आरती दिखाइए। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने जो उपला जलाया था उससे भी मैंने अच्छे से माता रानी का, देखिए, आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे। फिर यहाँ पर मैं नौ दुर्गा की यहाँ पर व्रत कथा, मेरे पास किताब भी रखी हुई है तो यहाँ पर मैं लास्ट में दिखाती हूँ। लास्ट के पेज पर है व्रत कथा, और जो ये माइक की आवाज़ आ रही है इसको ज़रा इग्नोर करिए। हमारे घर के पास ही पूजा हो रही है नौ दुर्गा देवी की, 9 दिन यहाँ पर पूजा होगी। मैं छोटी छोटी क्लिप्स लेकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर आप पूरे घर में दिया और ये उपले का जो भी ये आग है पूरे घर में दिखाइए, बहुत ही अच्छा होता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। और भगवान से क्षमा मांगिए कि अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा कर देना भगवान जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो अच्छी लगी